मैंने आपको लास्ट क्लास में फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम पढ़ाया था कि भिन्न का एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एक प्रश्न होमवर्क में दिया था। तो आइए पहले इनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं कि आज हमको हम लोग का क्या पढ़ना है। ठीक है, तो क्या था मैंने 3/5, 1/5 एंड 5/8, इन तीनों का एलसीएम निकालना था। क्या निकालना था? एलसीएम। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था हमारा? एलसीएम इक्वल टू एलसीएम अपॉन एलसीएम, मैंने आपको ये बताया था। ये क्या था हमारा फॉर्मूला था। तो क्या है कि हमें एलसीएम निकालना है, तो हमें क्या इन जो 3, 1 और 5 जो है, जो हमारा अंश है, उसे क्या करना है? उन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो क्या है, 3 को तोड़ोगे 3 × 1 सिंपल, 1 × 1 और 5 × 1। तो क्या हमारा एलसीएम क्या आएगा? सिंपल सी बात है, एलसीएम हमारा 15 आ जाएगा। कितना रहेगा? 3 × 5 = 50। एलसीएम क्या देगा हमारा? 15 आ जाएगा नॉर्मल। उसके बाद क्या है, 5, 5 और 8 यानी कि जो हमारे जो हर है उन तीनों के हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 5 को तोड़ेंगे तो 5 × 1 हो गया हमारा, इसको निकालेंगे तो 5 × 1 ये भी हमारा हो गया, इसको करेंगे 8 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हमारा आ गया। तो आप देख सकते हो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या दिखाया जाता है? देखा जाता है कॉमन। क्या दिखाया जाता है? कॉमन। आप देख सकते हो 5 हमारा इसमें है, 5 हमारा इसमें है, 5 हमारा इसमें नहीं है, तो हम 5 को नहीं लेंगे। ठीक है, 1 है, 1 इसमें भी है, अब देखा जाए तो 1 इसमें भी है। अगर मैं इसको 1 से इंटू करूंगी तो हमारा 8 ही आएगा, तो 1 हमारा कॉमन है। एलसीएम इक्वल टू मैं क्या कर रही हूँ, एलसीएम इक्वल टू 1 हमारा कॉमन है। अब देखिए और क्या कॉमन आता है, तो 5 हमारा कॉमन नहीं आ रहा, तो 5 को तो हम लेंगे ही नहीं। 2 जो हमारा है, ये 2 हमारा बस 8 वाले में ही आ रहा है, ना ही हमारे 5 में आ रहा है, ना ही हमारे इस 5 में आ रहा है, तो हम लोग 2 को भी नहीं लेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम अपॉन एसीएम। क्या है? एलसीएम इक्वल टू एलसीएम अपॉन एसीएम। हमारा एलसीएम कितना है? 15। एसीएम कितना है हमारा? 1। तो देखो 1 जब डिवाइडेड में हो, जब हर में हो, तो उसकी मान्यता नहीं दी जाती है। क्या है? 15 हमारा आंसर है, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? 15 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा होमवर्क का प्रश्न जो मैंने आपको सॉल्व कर बता दिया है। अब आइए आज के टॉपिक में, मैंने आपको एसीएम पढ़ाया, एलसीएम पढ़ाया, फिर मैंने आपको फ्रैक्शन ऑफ एसीएम पढ़ाया, फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम पढ़ाया। अब मैं पढ़ाऊंगी आपको डेसिमल ऑफ एसीएम, यानी डेसिमल यानी कि दशमलव। क्या है? दशमलव। डेसिमल मीन्स क्या होता है? दशमलव, हिंदी में दशमलव कहते हैं। तो कैसे एसीएम को कैसे दशमलव, डेसिमल का दशमलव का कैसे एसीएम निकाला जाता है? क्या निकाला जाता है? एसीएम कैसे निकाला जाता है? आप देख सकते हो प्रश्न को 1.8, 0.54 एंड 0.162, इन तीनों को आपका आपको निकालना है एसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एसीएम। तो कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। ये पॉइंट की वजह से हमको क्या है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है निकालने के लिए। ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इनकी ट्रिक क्या होती है, मतलब हम कुछ पॉइंट बताएंगे। जाहिर सी बात है, जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो एक जीरो को बैठाते हैं, जब हम पॉइंट को हटा देते हैं एक जीरो को हम बैठा देते हैं। ठीक है, 0.54 है, यानी कि 2 अंक के बाद हमारा डेसिमल है, 2 अंक के बाद हमारा डेसिमल है। तो क्या करेंगे, हम 2 जीरो को यहाँ बैठवाएंगे। ठीक है, क्या है हमारा 0.162, क्या है 0.162, क्या है 162, 3 अंक के बाद हमारा डेसिमल है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 जीरो यहाँ पर बिठाएंगे। तो क्या ये हम लोगों ने डेसिमल को हटा दिया, तो सब लोग हमने हटा दिया है, और उसके बदले हम लोगों ने 0 बैठा दिया यहाँ पर। अब क्या है, इन तीनों का मुझे
निकालना है एसीएफ। क्या निकालना है? एसीएफ। एसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? एसीएफ का हमारा फॉर्मूला होता है एसीएफ इक्वल टू एसीएफ अपॉन एलसीएम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो क्या है 18 का, 54 का और 162 का एसीएफ निकालना है। तो क्या है 18 को तोड़ना पड़ेगा, तो आइए 18 को तोड़ते हैं। 2 से तोड़ेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। हम लोगों ने इसे तोड़ दिया। 18 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3। हम लोगों ने इसे तोड़ दिया। अब आइए 54 को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे? 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 3 9 = 27, 3 3 = 9 और 3 1 = 3। हम लोगों ने इसे आसानी से तोड़ दिया। ठीक है, 2 × 3 × 3 क्या आया हमारा 54 इक्वल टू क्या आया हमारा 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसे तोड़ेंगे? 162 को तोड़ेंगे। तो 162 को मुझे तोड़ना है, तो 162 को तोड़ेंगे। 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2। ये क्या हमारा 81 जो हमारा है, ये हमारा 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, 2 से हमारा नहीं जाएगा। डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट क्या है हमारा? 1 है, तो हमारा 2 से नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 से तोड़ेंगे। 3 × 2 = 6, गायक पीछे गया इसमें, 2 गया इसमें, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9 = 27, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। तो क्या हमारा 162 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 × 3 × 3, 1 2 3 4, 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4। ठीक है, ये हम लोगों ने तोड़ दिया। हम लोगों ने 18 को, 54 को और 162 को तोड़ दिया है। ठीक है, आइए मैं यहाँ पर रफ कर देती हूँ थोड़ा, इसे मैं थोड़ा सा रफ कर दिया है। ठीक है, तो हमने तोड़ दिया है, मुझे निकालना है एसीएफ। एसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? एसीएफ अपॉन एलसीएम। तो क्या देखिए आप तीनों का 18, 54, 162 को तोड़ने के बाद कॉमन क्या आ रहा है हमारा, एसीएफ इक्वल टू, आप देख सकते हो 2 इसमें भी हमारा है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, यानी 2 क्या है हमारा कॉमन आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को ले लेंगे। 3 हमारा इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम लोग कहते हैं 3 को भी ले लेंगे क्योंकि हमारा कॉमन आ रहा है। 3 हमारे इसमें भी है, 2 × 3 है, 3 इसमें भी कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है, तो 3 को ले लेंगे। अब देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन क्या है, इसमें हमारा 3 नहीं है, ये हमारा यही एंड हो गया है। तो क्या है, अब हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्या है, अब हम लोग नहीं ले सकते, तो यही हमारा एसीएफ आ जाएगा। क्या एसीएफ आया हमारा 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, ये हमारा आ गया। अब क्या है, एसीएफ निकालना है। आप देख सकते हो 10, 100 और 1000, यानी 10, 100 और 1000, इन तीनों का एसीएफ निकालना है। आपको पता है ऐसे में क्या करते हैं, हम लोग बड़े वाले को लेते हैं। क्या लेते हैं? बड़े वाले को लेते हैं। आप देख सकते हो 10, 100 और 1000 में हमारा 1000 सबसे बड़ा है। तो क्या करेंगे, मैं इसको तोड़ दे रही हूँ, सिंपल क्या तोड़ा जाए, इसको तो तोड़ने की बात ही नहीं बनती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 को ले लेंगे। तो क्या हमारा एलसीएम क्या था हमारा, एलसीएम हमारा क्या है 1000। अब फॉर्मूला क्या हमारा होता है, एसीएफ इक्वल टू एसीएफ हमारा एलसीएम, एसीएफ हमारा कितना है 18, एसीएफ हमारा कितना है 1000। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसे आप कट भी कर सकते हो, ये आसान क्या है, आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा। अगर इसको कट करके इसका आंसर दिया गया है तो आप वैसा आंसर दीजिएगा। अगर आपको इस टाइप मतलब क्या है कि आपको जिस तरह का ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में, आप उस टाइप का आंसर दीजिएगा। इसको आप काट भी सकते हो और नहीं भी काट सकते हो, क्योंकि 3 जीरो है, तो क्या करेंगे,
तीन अंक के बाद डेसिमल को बैठा देंगे, क्या तीन अंक के बाद डेसिमल को आप बैठा देंगे, तीन जीरो है तो तीन अंक के बाद हम डेसिमल के यहाँ पर फिट कर देंगे। तो ये हमारा एसीएफ आ गया, ये हमारा क्या गया, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को देखिएगा, लास्ट में हमारा ये आएगा तो आप देखिएगा कि हमारा ऑप्शन में क्या पूछा गया है। ऑप्शन जिस तरह पूछा गया आप उस तरह इस आंसर को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको ये प्रश्न सॉल्व कर बता दिया कि किस तरह एक डेसिमल का एसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, अब क्या है एलसीएम है, डेसिमल ऑफ एलसीएम वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, लेकिन क्या है मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, उस होमवर्क को आप बनाइएगा जरूर और नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं प्रश्नों को पहले लिख देती हूँ, यहाँ मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है यहाँ मैं रफ कर देती हूँ और यहाँ मैं उस प्रश्न को जो मैं होमवर्क करना चाह रहा हूँ होमवर्क यहाँ लिख देती हूँ। क्या है हमारा होमवर्क, हमारा होमवर्क है आप ये बनाओ 4.8, 5.4, 0.06 इन तीनों का 4.8, 5.4 और 0.06 इन तीनों का आपको निकालना है एसीएफ। क्या निकालना है एसीएफ निकालना है, ये हमारा होमवर्क है। क्या है हमारा होमवर्क है, आपको इस प्रश्न को बनाना है और साथ ही साथ और भी बुक में जितने प्रश्न दिए हैं उनको भी बनाना है। ठीक है, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट भी करना है। तो फ्रेंड्स अगले क्लास में मैं आपको डेसिमल का एलसीएम पढ़ाऊंगी कि किस तरह दशमलव का एलसीएम निकाला जाता है, यानी कि लघुत्तम अपवर्तक निकाला जाता है।